जब से AMD का नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है Ryzen 5 5600G एंड Ryzen 7 5700G, तब से ना Ryzen का जो पहला का APU है वो लगभग यहाँ पे मार्केट से गायब ही हो चुका है। कुछ कुछ प्रोसेसर यहाँ पे मिलता है लाइक Ryzen 3200G, बहुत ढूंढने से मिलेगा, या फिर Ryzen 5 3400G आपको मिल जाएगा, वो भी OEM। ठीक है, तो ऐसे में लोग यहाँ पे शिफ्ट करने का सोच रहे हैं Ryzen 5 5600G के ऊपर। काफी दिनों से लोग मुझे बोल रहे थे 5600G के ऊपर एक बिल लाओ, तो आज के इस वीडियो पे ना आपको 5600G के ऊपर एक एक्चुअल बिल बना के दिखाऊंगा, जहां पे आपके एक फ्यूचरिस्टिक मदरबोर्ड देखने को मिल जाएगा, मतलब फ्यूचर में आपको अपग्रेड ऑप्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहां पे कॉस्ट कितना आएगा अगर आप इस बिल्ड को बनाते हो आज के टाइम पे। तो अगर आपको भी इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को आगे देखते रहो, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमेशा की तरह हम लोग का जो लाइक होता है इसको कंप्लीट कर देना, और अगर आप किसी तरीके के गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड वीडियो देखने में मजा आता तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिमिर, आप देख रहे हो लूपहोल टेक, यानी टेक की अंदर की बात। सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होगा इस पीसी बिल्ड के अंदर, साथ ही साथ उसका प्राइसिंग क्या रहेगा। अगर आप बिल्ड करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप बाय कर सकते हो, अमेजोन एंड बेस्ट बाय लिंक दोनों ही रहेगा। तो उसके बाद आपको बिल्ड भी बना के दिखाऊंगा, तो कंपोनेंट्स के बारे में फटाफट से जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था 5600G का इस्तेमाल होगा इस पीसी बिल्ड पे, और ये वाला प्रोसेसर के अंदर आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है, 3.9 GHz का यहाँ पे आपको बेस क्लॉक स्पीड एंड 4.4 GHz का यहाँ पे बूस्ट क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाता है। जेन 2 आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है, और यहाँ पे आपको 3200 MHz का जो रैम होता है वो भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको रेडियन का वेगा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जो आपको 7 कोर ऑफर करता है। आज की डेट के अंदर अगर आप 5600G प्रोसेसर का यूज करके एक बिल्ड बना रहे हो तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको डिसेंट लेवल का गेमिंग करवा के देगा ये वाला प्रोसेसर, और यहाँ पे आप फ्यूचर में एक ग्राफिक्स कार्ड पेयर कर देते हो इसके साथ, तो आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। 1080p के ऊपर 60fps आपको हर एक AAA टाइटल गेम्स के अंदर आपको ये ला के देगा। बात करें इस प्रोसेसर की प्राइसिंग की, तो ये आपको मार्केट के अंदर 25,190 रुपए का देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, आपको एक अच्छे खासे फ्यूचरिस्टिक मदरबोर्ड इस्तेमाल करना है इस बिल्ड के अंदर, ताकि आप इन फ्यूचर इसको अपग्रेड कर पाओ, आपके सामने बहुत अच्छा अपग्रेड ऑप्शन मिल जाए। तो ऐसे में ही आपको यहां पे चूज करना है एक B550 चिपसेट का मदरबोर्ड, और यहां पे हम लोग ले लिया है MSI की तरफ से B550 MA Pro VDH Wi-Fi मदरबोर्ड। तो इसके अंदर आपको इनबिल्ट वाईफाई देखने को मिल जाता है, ये अपने आप में एक अच्छे फीचर है। साथ ही साथ यहां पे आपको DDR4 का सपोर्ट मिल जाता है, 4400 MHz तक रैम को ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेता है, 4 RAM slot आपको मिल जाएगा यहाँ पे, 128GB तक आप रैम को इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। साथ ही साथ इस मदरबोर्ड के ना आपको डुअल NVMe का स्लॉट मिलता है, Gen 4 एंड Gen 3 दोनों का सपोर्ट है इसके अंदर। इस वाले मदरबोर्ड का जो VRAM सेक्शन है ना वो भी बहुत शानदार है, यहाँ पे आपको काफी अच्छा VRAM देखने को मिल जाता है। अब B550 सीरीज का जितनी भी मदरबोर्ड है काफी अच्छा यहाँ पे आपको VRAM ऑफर करता है। ये वाला मदरबोर्ड आपको मार्केट के अंदर 10,500 के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टोटल 16GB का रैम का इस्तेमाल किया है, HyperX से फ्यूरी का जो 3200 MHz का रैम है इसका इस्तेमाल किया है, काफी अच्छा रैम है, इसके अंदर आपको हीट सिंक देखने को मिल जाता है, ओवरक्लॉक सपोर्ट है, काफी बेहतरीन ये रैम है, इसको आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। और यहां पे मैं 16GB रैम इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये APU है, और APU के अंदर आपको हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं 16GB का एटलीस्ट रैम यूज करो, क्योंकि यहां पे शेयर मेमोरी होता है, ठीक है, आपका रैम से यहां पे ग्राफिक्स पे थोड़ा कन्वर्ट होता है, तो यहां पे 16GB रैम लगाओगे तो सही से आपका यहां पे APU काम करेगा। ये वाला 8GB का 2 स्टिक आपको ऑलमोस्ट 5900 के आसपास देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टोरेज के बारे में, और स्टोरेज के अंदर आपको NVMe तो इस्तेमाल करना ही करना है। अब देखो मेरे दोस्त को यहाँ पे 500GB चाहिए था, अगर आप यहाँ पे चाहते हो थोड़ा कॉस्ट कटिंग करना तो आप यहाँ पे 256GB का भी NVMe का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे क्रूशियल का P1 का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ये वाला SSD की जगह आप यहाँ पे ADATA के XPG जो आता है, ADATA का XPG S5 256GB का या फिर 500GB का, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिलहाल इस बिल्ड के लिए क्रूशियल के P1 का इस्तेमाल करने वाला हूं, काफी अच्छा बेहतरीन ये वाला NVMe SSD है, 500GB का आपको कैपेसिटी ऑफर करता है ये वाला NVMe SSD। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये वाला NVMe SSD आपको ऑलमोस्ट 4,490 रुपए का देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ मेरे दोस्त को वीडियो एडिटिंग का काम करना है तो उसको स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो ऐसे में वो प्रेफर किया 2TB का हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करना, अगर आप चाहते हो तो 1TB का भी कर सकते हो, अगर बजट बहुत ज्यादा
टेराबाइट है यहाँ पे, आप नहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इन फ्यूचर आप लगा लेना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप 500 GB का भी यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। लेकिन इस बिल्ड के अंदर फिलहाल यहाँ पे 2 TB का हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और अगर आप कम वाला इस्तेमाल करते हो तो आपको यहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा। तो ये वाला WD का 2 TB का हार्ड ड्राइव आपको मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 4,500 रुपए का देखने को मिल जाएगा। अब इस बिल्ड के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं क्रॉसएयर की तरफ से 450 वाटेज का 80+ बोन सर्टिफाइड एक पावर सप्लाई। इसके अंदर आपको काफी अच्छा ब्रीडेड केबल देखने को मिल जाता है, काफी बेहतरीन वाला PSU है, ब्रीडेड केबल के साथ आता है, काफी बेहतरीन यहाँ पे एफिशिएंस है इस वाले पावर सप्लाई का। अगर आप इन फ्यूचर इसके साथ एक अच्छे खासे ग्राफिक्स कार्ड पेयर करना चाहते हो 2060 सीरीज का या फिर 3060 सीरीज का, तो वहां पे आपको इस वाले पावर सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहाँ पे मिनिमम 650 वाटेज का पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको यहाँ पे इन फ्यूचर पावर सप्लाई का यहाँ पे फिर से अपग्रेड ना करना पड़े, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मेरे दोस्त को ग्राफिक्स कार्ड बहुत बाद में लगाना है और उसको यहाँ पे 1650 सुपर लगाना है, और 1650 सुपर के लिए 450 वाट मोर देन इनफ है। करंटली वाला पावर सप्लाई आपको मार्केट के अंदर 3,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। फाइनल इस बिल्ड का आखिरी कंपोनेंट कैबिनेट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एंड स्पोर्ट्स की तरफ से i5-11MT का इस्तेमाल किया गया है। इसके सामने की तरफ आपको 3 फैन और पीछे की तरफ आपको 1 फैन फ्री मिलता है, और ये जो कैबिनेट है ना काफी अच्छा कैबिनेट है, डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो अगर आपका बजट यहाँ पे 4,350 रुपए के आसपास है, क्योंकि इतने प्राइस में ही आपको ये मार्केट के अंदर अभी के टाइम पे देखने को मिल जाता है। और मेरे दोस्त को ये वाला कैबिनेट काफी अच्छा लगा, तो ये वाला कैबिनेट का इस्तेमाल कर ले इस बिल्ड के अंदर। अगर आप चाहते हो कॉस्ट कटिंग करना तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बजट के अंदर कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो टोटल कॉस्ट आपका यहाँ पे सारे चीज को लेकर और भी ज्यादा कम हो जाता है। ये जो सारे कॉम्पोनेंट्स आपको दिखे हैं, इन सारे कॉम्पोनेंट्स का ऑल ओवर प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 58,000 के आसपास आ जाता है। अगर आप यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हो, लाइक आप यहाँ पे हार्ड ड्राइव नहीं लगाते हो या फिर आप 1 TB का लगाते हो, और आप यहाँ पे 500 GB के जगह आप 256 GB का NVMe का इस्तेमाल कर सको, साथ ही साथ आप यहाँ पे कैबिनेट थोड़ा बहुत बजट का लगा लेते हो 2,500 का, तो टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 52K-53K आसपास आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक बिल्ड होने वाला है अगर आप इन फ्यूचर अपग्रेड करने का ऑप्शन सोच रहे हो और अच्छे खासे डिसेंट लेवल का अभी के टाइम गेमिंग करने का सोच रहे हो, तो इस बिल्ड को आप बना सकते हो। अब फटाफट से देख लेते हैं इस पीसी बिल्ड को। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see. खर्चा तो बहुत आ गया। कितना एप्रोक्स बता दो। एप्रोक्स कितना है? 60 आ गया अभी तक विदाउट मॉनिटर। 60 आ गया। 60 के ऊपर। और ये पीसी अभी 5600G के साथ है, 16 GB RAM के साथ।
ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ है, बाद में लगाएगा ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि अभी प्राइस हाई चल रहा है। हाँ, तो इसलिए तो अभी फिलहाल ये बिल्ड आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, और बिल्ड इसका है और बेंचमार्क नहीं रहेगा, ये पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि बेंचमार्क के लिए यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। और अगर आपको गेमिंग करना है तो मिड रेंज गेमिंग हो जाएगा 1080p 40-50 fps आपको मिल जाएगा GTA 5 के गेम के ऊपर। बाकी आप अगर वैलोरेंट टाइप का गेम खेलना चाहते हो तो उसमें 50 fps मिल जाएगा।